सभी को नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल का विषय है अवसर ऐप पोर्टल के लॉगिन का पासवर्ड कैसे रिसेट करें या कैसे रिसेट करवाएं। हालांकि विभाग ने लॉगिन के लिए डिफॉल्ट यूजर नेम और डिफॉल्ट पासवर्ड दिए हुए हैं, लेकिन कुछ स्कूल मुखिया पासवर्ड अपने अनुसार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो इसको मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पासवर्ड को कैसे रिसेट करें या करवाएं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके ब्लॉक के जो अवसर ऐप पोर्टल को डील करते हैं या आपके ब्लॉक के सक्षम सहयोगी हैं, वो आपके अवसर ऐप पोर्टल को लॉगिन करें ब्लॉक लेवल पर। जैसा कि मैं यहाँ ब्लॉक क्लाइंट का ब्लॉक लेवल का लॉगिन कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। ब्लॉक लेवल लॉगिन करने के बाद अवसर ऐप पोर्टल का ये वाला इंटरफेस आपके सामने आता है। इसमें आप देखेंगे कि बाईं तरफ तीन हॉरिजॉन्टल लाइनें आपको दिख रही हैं। आप इनको क्लिक करिए। जैसे ही आप इनको क्लिक करते हैं, ये इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें काफ़ी सारे आइकन्स आपको रिपोर्ट्स कैटेगरी में दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स कैटेगरी में नंबर तीन पर आप देखेंगे रिसेट स्कूल पासवर्ड, इसे क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, जिसमें लिखा हुआ है रिसेट स्कूल पासवर्ड स्कूल कोड। तो जिस विद्यालय का पासवर्ड सक्षम सहयोगी साथी को या जो भी अवसर ऐप का ब्लॉक लेवल का एडमिन संभाल रहे हैं, वो यहाँ पर उस स्कूल का कोड भर दें। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर 13737 हमने एक स्कूल का कोड यहाँ भरा है, और अब इसे सर्च कर दें। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये उस स्कूल का डेटा आता है। क्या ये वही स्कूल है जिसे आप जिसका पासवर्ड जो है आपको रिसेट करना है? तो आप देखें कि डिटेल्स में मैनेज के नीचे आपको रिसेट का बटन दिख जाता है, और आप इस स्कूल के अवसर ऐप पोर्टल का जो पासवर्ड है उसको यदि रिसेट करना चाहते हैं, तो रिसेट बटन जैसे ही आप दबाएंगे, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है अवसर ऐप पोर्टल का यहाँ पर सेट हो जाएगा उस विद्यालय के लिए। ये एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ब्लॉक लेवल पर किसी भी विद्यालय का पासवर्ड जो है बहुत आसानी से रिसेट किया जा सकता है। उम्मीद है इस ट्यूटोरियल के बाद आपकी ये समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।